हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, त्योहारी सीजन में समय कम होता है और काम ज़्यादा होते हैं, इसीलिए आज मैं आपके साथ खट्टी मीठी चटनी की इंस्टेंट रेसिपी शेयर करूंगी। चलिए तो बातों में ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आमचूर पाउडर, इसे खटाई भी कहा जाता है। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम आमचूर पाउडर लिया है। 200 ग्राम आमचूर पाउडर के साथ में मैं यहाँ पर 400 ग्राम गुड़ ऐड करूँगी। आप यदि चटनी में खट्टा टेस्ट ज़्यादा रखना चाहते हैं तो गुड़ की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन यदि आप चटनी को ज़्यादा मीठा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन 200 ग्राम आमचूर पाउडर के लिए 400 ग्राम तो कम से कम आपको गुड़ लेना ही है। गुड़ की जगह पर आप आधा गुड़ और आधी शुगर भी ले सकते हैं। इस चटनी को ज़्यादातर दही बड़ा के साथ, समोसे के साथ, कचौड़ी के साथ खाया जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पर गुड़ ही ऐड कर रही हूँ। गुड़ डाइजेस्टिव होता है और जो आपने तला भुना खाया है वो इस चटनी से डाइजेस्ट हो जाता है। चटनी बनाने के लिए मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें मैं 2 कप पानी ऐड करूँगी। अब इस पानी में हम आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। आमचूर पाउडर को गर्म पानी में ऐड करने से आमचूर के लम्ब्स बन जाते हैं, इसीलिए अभी हम नॉर्मल पानी में ही आमचूर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आमचूर पाउडर को पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने यहाँ पर एक थिक कंसिस्टेंसी का पेस्ट तैयार कर लिया है। अब मैं इसमें 2 कप पानी और ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद एक बार फिर से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आमचूर पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी लम्ब्स नहीं है। अब हम बढ़ते हैं कुकिंग प्रोसेस में। चटनी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और अभी मैंने गैस की फ्लेम को लो रखा है। अभी हम इसमें गुड़ ऐड नहीं करेंगे क्योंकि गुड़ में काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसीलिए गुड़ को हम एक दूसरे बर्तन में ऐड करेंगे। गुड़ को मेल्ट करने के लिए मैं इसमें 1.5 कप पानी ऐड करूँगी। गुड़ में पानी ऐड करने के बाद गैस की फ्लेम को लो मीडियम कर देना है। गुड़ को पूरी तरह से मेल्ट हो जाने तक इसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस तरह से स्पून से स्टिर करते रहें। गुड़ के पूरी तरह से मेल्ट हो जाने के बाद ही हम इसे चटनी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। आमचूर में भी उबाल आ चुका है। अब मेल्ट किए गए गुड़ को हम स्ट्रेन करके लेंगे। गुड़ के सिरप को ऐड करने के बाद एक साथ सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और अब गैस की फ्लेम को लो मीडियम कर देना है। लो मीडियम फ्लेम पर इसे अब हमें कम से कम 4 से 5 मिनट तक पकाना है। इसी स्टेज पर मैं इसमें ऐड करूंगी 2 छोटे चम्मच काला नमक। काले नमक से इस चटनी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। 2 छोटे चम्मच ही मैं इसमें ऐड करूंगी सौंठ पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। इससे भी खट्टी मीठी चटनी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। 1 छोटा चम्मच मैं यहाँ पर ऐड करूँगी भुना हुआ जीरा। जीरे के साथ ही मैंने 1/4 छोटा चम्मच हींग को भी पीस कर लिया है। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये बहुत तीखी नहीं होती हैं लेकिन इससे चटनी में बहुत बढ़िया कलर आता है। 1/2 छोटा चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। मसाले भी अभी चटनी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। इसी स्टेज पर मैं इसमें 100 ग्राम खजूर ऐड करूंगी। खजूर को मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर लिया है। खजूर की जगह पर आप छुहारा भी ऐड कर सकते हैं। खजूर को चटनी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इस चटनी को मीडियम फ्लेम पर कम से कम 4 से 5 मिनट तक पकाना है। चटनी की कंसिस्टेंसी आप अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं। यदि आप इस चटनी को तुरंत सर्व करने के लिए बना रहे हैं तो इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा लिक्विडी रख सकते हैं, लेकिन यदि आप इसे 1.5 से 2 महीने के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा थिक रखें। करीब 5 मिनट हो चुके हैं और चटनी रेडी हो चुकी है और ये देखिए, अब इसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी थिक हो चुकी है। मैं इस चटनी को 2 महीने के लिए स्टोर करने के लिए बना रही हूँ, इसीलिए मैंने इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक रखी है। गैस की फ्लेम ऑफ करने से पहले चटनी को एक बार टेस्ट कर लेते हैं। इस चटनी में अभी नमक थोड़ा सा कम है, इसीलिए मैंने 1/2 छोटा चम्मच नमक ऐड किया है। चटनी में अभी खट्टा टेस्ट भी ज़्यादा है, इसीलिए मैं इसमें 4 छोटे चम्मच शुगर ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आमचूर पाउडर आम से बनाया जाता है और कोई आम बहुत खट्टा होता है, कोई आम कम खट्टा होता है, तो आम के टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर मीठा ऐड कर सकते हैं। शुगर को मेल्ट करने के लिए हमने इसे चटनी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। इसी स्टेज पर मैं इसमें 1 छोटा चम्मच
गर्म मसाला भी ऐड करूँगी। अब सभी चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और अब इस चटनी को 1.5 से 2 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर और पकाना है। 2 मिनट हो चुके हैं और चटनी रेडी हो चुकी है। और ये देखिए, मैंने चटनी की कंसिस्टेंसी थोड़ा सा थिक रखी है। ठंडी होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी इससे भी ज़्यादा थिक हो जाएगी, लेकिन यदि आप इसे तुरंत सर्व करने के लिए बना रहे हैं तो इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ज़्यादा थिक आप ना करें। दही बड़ा, चाट, समोसा, टिक्की सभी के साथ सर्व करने के लिए इंस्टेंट खट्टी मीठी चटनी तैयार हो चुकी है। चटनी की इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। गुड बाय।